देखिए ये कितना छोटा बच्चा है, लगभग ये 5वीं कक्षा में पढ़ता है और ये स्विमिंग जानता है। आपको भी स्विमिंग सीखनी है तो हम इससे थोड़ा सा सीखते हैं। तो चलिए हम इसे इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है मेरा नाम प्रतीक दिलीप काले है। और आप कब से स्विमिंग जानते हैं? मैं 5-6 महीने से स्विमिंग जानता हूँ। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे स्विमिंग के बारे में? मैं हमारे दर्शकों को कहूंगा कि स्विमिंग करते हुए आप डरेगा नहीं, और और आप ज्यादा कैसे सीखेंगे मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो और चलिए दोस्त, आप इतने से पानी में तैरना सीखेंगे, सर के इतने ऊपर। और आप ज्यादा पानी में भी सीखना चाहेंगे तो जरा सावधानी से सीखेगा, मेरा आपसे यही कहना मतलब है। कमर में रस्सी बांध कर सीख सकते हैं हम शुरुआत हाँ में? ऐसे ही कुछ। तो फिर आप दिखाइए दर्शकों के कि आप कैसे तैरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छी टेक्निक्स है। अब आप डॉल्फिन जैसा तैरिए नीचे पानी में से। इनका मतलब है किसी भी चीज़ से हमें डरना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए उल्टा तैरना भी है अच्छी तरह से जानते हैं। और इनमें तो ऐसा है कि डर ही नहीं है, हमें किसी भी चीज़ को सीखते समय डर नहीं रखना चाहिए। और तैरना सीखने से पहले हमें अच्छी तरह से प्रोटेक्शन चाहिए। अब हम रस्सी बांध कर सीखे पहले पहले, वरना आप जाएंगे पानी में तैरने तो, और कभी भी तैरने के लिए अकेले ना जाए, किसी को साथ लेके जाए, तब आप अच्छी तरह से तैरना सीख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।